नमस्कार जोहार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। बंदगांव के करंजो स्थित जीआरसी विरसा सेवा प्रकल्प में विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत का परिषद शिक्षा वर्ग एवं बजरंग दल झारखंड प्रांत का सौरभ प्रशिक्षण वर्ग का हुआ विधिवत उद्घाटन। खबर विस्तार से, बंदगांव के करंजो स्थित जीआरसी विरसा सेवा प्रकल्प में विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत का परिषद शिक्षा वर्ग एवं बजरंग दल झारखंड प्रांत का सौरभ प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। परिषद शिक्षा वर्ग गत 21 मई से ही प्रारंभ है, जहां प्रांत भर के सभी जिलों से एवं सैकड़ों प्रखंडों से विश्व हिंदू परिषद के दायित्ववान कार्यकर्ता अपनी शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक स्तर बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं आज बजरंग दल झारखंड प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री तथा विशेष संपर्क विभाग के केंद्रीय सहमंत्री माननीय अम्बरीश सिंह जी एवं प्रांत सहमंत्री श्री मनोज पोद्दार जी, प्रांत सहमंत्री श्री रंगनाथ महतो जी, बजरंग दल प्रांत संयोजक श्री दीपक ठाकुर जी ने राम दरबार एवं भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय अमरीश सिंह जी ने कहा कि आज बजरंग दल जैसा युवा संगठन संपूर्ण देश भर में नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता होने के लिए किसी खास माना की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई विश्वकर्मा हो, चाहे कोई जनजाति या दलित समाज का हो, या ब्राह्मण कुल के हो, गोरा हो या काला हो, बहुत पढ़ा लिखा हो या कोई बड़ा लिखा हो या हो अनपढ़, जो भी इस भारत माता को अपनी माता मानता हो वह हमारा भाई है। आज दुनिया हमारी शक्ति से हमें पहचानने लगी है। आगे उन्होंने प्रशिक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही स्वस्थ हिंदू समाज खड़ा कर सकता है, और उसके लिए बजरंग दल के एक एक कार्यकर्ता को इस प्रशिक्षण वर्ग में तप कर कुंदन बनकर निकलना होगा और अपने क्षेत्र में जाकर हिंदू धर्म संस्कृति एवं हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद पटना क्षेत्र के संगठन और अपने क्षेत्र में जाकर हिंदू धर्म संस्कृति एवं हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद पटना क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय आनंद पांडे जी, प्रांत संगठन मंत्री श्री देवी सिंह जी, बजरंग दल प्रांत संयोजक श्री दीपक ठाकुर, संजय चौरसिया जी, चाईबासा जिला अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जे जे षाडंगी जी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस तरह से जब गाएंगे तब हनुमान जी का प्रकटीकरण होगा और हनुमान जी के शौर्य का प्रकटीकरण गांव में होगा। तो ऐसा छाछ मृदंग के साथ और नौजवानों की 20-20, 25-25 की टोली मोहल्ले मोहल्ले में हनुमान चालीसा का अगर पाठ करना शुरू करे बजरंग दल के द्वारा, तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर गोविंद। ये भूत पिशाच कौन है? यही धर्मांतरण करने वाले, यही गाय काटने वाले, यही हिंदू कन्या बनाने वाले जो हमारे गांव में आते हैं। ये हनुमान चालीसा का पाठ कर हमने गांव गांव में आरंभ कर दिया, आने की हिम्मत पड़ेगी? और अगर हम प्रारंभ करेंगे तो पूरा गांव हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा? हमने जिस काम का संकल्प लिया है उस काम के अनुरूप हमारी मनोभूमिका बने, उस मनोभूमिका की तैयारी के लिए इस वर्ग में आए। इतनी प्रचंड गर्मी और हर तरह की प्रतिकूलता के बाद 7 दिन का हमने समय दिया है, वह इसलिए दिया है कि देश और समाज को लेकर हमारे मन में एक स्वप्न है, एक संकल्प है, और उस संकल्प की अनुरूप माननीय केंद्रीय सहमंत्री एवं विश्व हिंदू परिषद विशेष संपर्क विभाग के भी केंद्रीय सह प्रमुख माननीय अमरीश जी अपने बीच हैं। ठीक उनके बाईं ओर विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के सहमंत्री एवं इस बजरंग दल का जो अपना वर्ग है, इस वर्ग के माननीय वर्गाधिकारी के रूप में आप सबके बीच रहने वाले हैं, ऐसे मनोज पोद्दार जी।
पीछे बैठे हैं बजरंग दल झारखंड प्रांत संयोजक श्रीमान दीपक ठाकुर जी, रंगनाथ महतो विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री झारखंड। अब आज के इस उद्घाटन सत्र में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए अपने बीच आए हुए हैं माननीय अमृत जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। माइक दे ना।